नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका बैंक प्रो यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि सभी एकदम बढ़िया होंगे। मेरी आवाज़ वगैरह आप सब तक क्लियर आ रही है तो एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हैं? अगर मेरी आवाज़ वगैरह आप सभी को क्लियर है तो एक बार कन्फर्मेशन दें। जी सभी को आवाज वगैरह आ रही है क्लियर? ओके ओके, तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, टॉप 60 करंट अफेयर्स की, जो कि आपके इस लास्ट वीक से थे, जो मैंने आपको कराया हुआ था 8 अगस्त से 15 अगस्त तक। जो डेली करंट अफेयर्स में मैंने करंट अफेयर्स कराई थी उसमें बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट लगे, वो मैंने आपके लिए टॉप 60+ एमसीक्यूज जो है वो निकाले हैं। और ये वीकली करंट अफेयर्स हर संडे को सुबह 8 बजे होता है, ठीक है? हर संडे को सुबह 8 बजे होता है, तो ये टाइम आपने नोट करना है। और हर संडे को आप टाइम से आ जाएंगे। मैं 2 मिनट लेट हुआ कुछ टेक्निकल गिल्ड्स की वजह से, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से। चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको हर क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप अनअकैडमी लाइव बैंक एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल, बैंक एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप। और एक नया बैच आ रहा है आप सभी को स्क्रीन पे। क्या बफरिंग कर रहा है सभी को? सभी को बफरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है? गाइज एक बार फिर से कंफर्मेशन दें, क्या आपको अभी क्लियर है? गाइज अभी क्लियर होगा एकदम गाइस सभी को? अभी एकदम क्लियर होगा तो माफ करना मुझे, थोड़ा सा आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क के इशू की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं सेशन को। चलिए अभी क्लियर होगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ ही चलते हैं सीधा। अभी हम बाकी की सब चीजें स्किप करेंगे, बट आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि कल से एक नया कोर्स आ रहा है आप सभी के लिए, करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का कल से एक नया कोर्स आ रहा है, कल से स्टार्ट हो जाएगा 17 अगस्त से। 17 अगस्त से, ओके। एंड 14 अगस्त से एक नया कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पे। ज्वाइन करने के लिए आप RKYT10 रेफरल कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं।
RKYT10 रेफरल कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएंगे और सभी की क्लासेस आपको एक्सेस हो पाएंगे। साथ ही साथ में आपका अनअकैडमी पीओ चैंपियनशिप भी जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है, और वो उसके लिए एनरोल करने के लिए आपको वेबसाइट पे विजिट करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप अनअकैडमी IBPS पीओ चैंपियनशिप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक मिलेगी, टॉप 3 एजुकेटर्स के द्वारा इसका डिटेल एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहता है PDF के लिए तो आप अनअकैडमी लाइव बैंक एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल और बैंकर्स ऑफ रोहिसर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। चलिए, आप सभी तैयार हैं तो एक बार यस 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 करके लिख दें। क्या आप सभी तैयार हैं आज के सेशन के लिए? फास्ट एक बार यस 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 करके लिख दें जितने लोग भी हैं। आर यू रेडी गाइज? फास्ट एक बार जी। अभी कोई टेक्निकल इश्यू होने वाला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बीच में स्टार्टिंग में हो गया था, कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। अभी बताइए, अभी आप सभी तैयार हैं तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला सवाल है, किस किस डे को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल हैंडलूम डे के तौर पर? किस डे को हम लोग नेशनल हैंडलूम डे के तौर पर ऑब्जर्व करते हैं? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, पहला सवाल आपसे पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? करेक्ट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, 7th अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। कब किया जाता है? 7th ऑफ अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर हम बात करें 6th अगस्त को आपका हिरोशिमा डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। 6th अगस्त को आपका हिरोशिमा डे ऑब्जर्व किया जाता है। वहीं अगर हम गाइस बात करते हैं 4th अगस्त की, तो 4th अगस्त को आपका कोस्ट गार्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है, और 3rd अगस्त को आपका वर्ल्ड संस्कृत डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये 3 दिन आपको याद रखने हैं। वर्ल्ड अगर हम नेशनल हैंडलूम डे की बात करते हैं तो ये आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है? बी करेक्ट आंसर होगा, 7th अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी हैज वन द फर्स्ट पोजीशन इन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020, वेयर इज द DIAT लोकेटेड? रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान ने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 में पहला स्थान हासिल किया है। DIAT कहाँ पे? यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पे है, कहाँ पे है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बहुत खूब, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी करेक्ट आंसर होगा, पुणे। पुणे करेक्ट आंसर होगा आपका, पुणे करेक्ट आंसर होगा। कहां पे? पुणे करेक्ट आंसर होगा। वेल डन। नेक्स्ट है आपका, इन विच कंट्री प्लान्ड टू इशू कॉइन इन ऑनर ऑफ महात्मा गांधी टू मार्क 150th बर्थ एनिवर्सरी? किस देश ने 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी के सम्मान में सिक्का जारी करने की योजना बनाई है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जी एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए यार सभी लोग, लाइक और शेयर कर दीजिए सभी लोग। गुड, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? वेल डन, बी करेक्ट आंसर होगा, यूनाइटेड किंगडम। गुड, नेक्स्ट है आपका, इन विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर तेंदू लीव्स कलेक्टर्स? तेंदू पत्ता ग्राहकों के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है? हाँ जी, बहुत खूब, प्रतिभा, सौम्या, मौनी, रानू, रॉयल, आर्चू, स्वाति, सुबी, रानू, गायत्री, एवेंजर, स्नेहिल, स्वागता, पूनम, स्मृति, स्नेहिल, बहुत खूब, बहुत खूब। वेल डन, गुड, करेक्ट आंसर डी होगा इसका, छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट आपका, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गेट सुनामी रेडी टैग? कौन सा राज्य जो है जिसको सुनामी रेडी टैग जो है वो लेने वाला पहला राज्य बन गया है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जी हाँ, करेक्ट आंसर की बात करें तो आंसर इसका डी होगा, उड़ीसा। उड़ीसा करेक्ट आंसर होगा, ओडिशा करेक्ट आंसर होगा। वेल डन, ओडिशा करेक्ट आंसर होगा, बहुत खूब। क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, ओडिशा। सुनामी रेडी टैग जो है वो किस स्टेट को मिला है और ये पहला स्टेट बन गया है कंट्री का, तो कौन सा, क्या आंसर होगा इसका? डी होगा, ओडिशा। ओडिशा करेक्ट आंसर होगा। ओडिशा हैज बिकम फर्स्ट स्टेट इन
द इंडियन ओशियन टू गेट सोशल कॉस्ट ऑफ विलेज इज सुनामी रेडी। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? गुड, बहुत खूब। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला सवाल है कि किस सरकार ने राज्य की लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला विकास किशोरी योजना शुरू की है, यानी कि आपका विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च महिला एवं किशोरी सम्मान योजना फॉर स्टेट गर्ल्स एंड वुमेन्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? गर्ल्स एंड वुमेन, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? भाई अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो एक बार शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो एक बार सेशन को, अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो एक बार सभी लोग, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। आंसर इसका हरियाणा करेक्ट आंसर होगा, बी। बी करेक्ट आंसर होगा हरियाणा, हरियाणा करेक्ट आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने राज्य की लड़कियों और महिलाओं के लिए विकास किशोरी योजना शुरू की है? आंसर हरियाणा होगा आपका, क्या होगा? हरियाणा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा कि महिला एवं किशोरी सम्मान योजना एंड मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, ये दो योजना, ये दो स्कीम जो है वो लॉन्च करी गई आपके हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब जी के द्वारा। और इस स्कीम के जैसे महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के अंडर में क्या किया जाएगा, 10 ईयर से 45 ईयर की जो भी आपकी विमेन है, गर्ल्स एंड विमेन है, उनको सैनिटरी पैड जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, सैनिटरी नैपकिन्स जो है वो दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जो दूसरी आपकी स्कीम है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, ये आपके लिए, इसमें बच्चों को दूध दिया जाएगा, मिल्क दिया जाएगा, वो आगे चल के अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे अगर हम बात करें, हु इज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? हु इज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? रिसेंटली में अपॉइंट किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जी। सबने आंसर करना है, सभी ने। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये कहां के गवर्नर थे? ये गवर्नर थे आपके जम्मू एंड कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के। बट अभी जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर कौन है? अभी जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर कौन है आपके? हाँ एक बार बताइए फास्ट, अभी कौन है गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के, और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद से किसको रिप्लेस किया है इन्होंने? राजीव जी को रिप्लेस करके आए हैं, राजीव जी को रिप्लेस करके आए हैं गिरीश, ये आपके मुर्मू जी। ठीक है, चलिए, वेल डन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर टू ऑफ विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स? वेल डन, बहुत खूब। प्रतिभा, सुबी, स्नेहिल, देवव्रति, कृष्णा, एवेंजर, पूनम, स्वाति, रॉयल आर्चू, भगवती, देवव्रति, स्मृति, मनीष, सौम्या, स्नेहिल, रानू, धीरेन्द्र, राकेश, मौर्य, सुबी, नेहल, सानवी, भगवती, बहुत खूब, बहुत खूब, कृष्णा, वेल डन। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जी हाँ, करेक्ट आंसर की बात करें, डी होगा, बोथ है ए एंड सी, यानी कि सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर, ये ब्रांड एम्बेसडर जो है वो आपके बनाए गए हैं WTF के, WTF के, बहुत खूब। इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना, हरमनप्रीत कौर अपॉइंटेड एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द WTF स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है आपका, ओमान एंड इंडिया ने जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड अक्वायर किया, हाउ मच परसेंट ऑफ स्टेक इन DCB बैंक? इंडिया, ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड Acquired how much percentage of stake in DCB bank? Oman India संयुक्त निवेश कोष ने DCB bank में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी अर्जित की है? Banking and financial news से important रहेगा ये, banking and financial section से। जी हाँ, गुड। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी करेक्ट आंसर होगा, 1.63%। क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, 1.63%। बहुत खूब भाई, मेरे एक बार यार शेयर कर दो, ऐसे मजा नहीं आ रहा है ना, शेयर कर दो तो मजा आएगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ कैपिटल इंडिया फाइनेंस? गुड मॉर्निंग, बताइए आंसर क्या होगा इसका?
बताइए आंसर। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत खूब। क्या आंसर होगा इसका? डी होगा, हर्ष कुमार बनवाल, हर्ष बनवाल। बहुत खूब। एक्स आपके नाबार्ड के चेयरमैन, फॉर्मर नाबार्ड के चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। गुड, बहुत खूब। ये अपॉइंट किए गए कैपिटल इंडिया फाइनेंस में एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर। बहुत बढ़िया। इन विच इंस्टीट्यूट हैज कोलेबरेटेड विद द आईएमडी टू ऑर्गेनाइज वेबिनार सीरीज ऑन हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल हजार्ड्स रिस्क रिडक्शन? किस संस्थान ने हाइड्रो मौसम संबंधी खतरों से के जोखिम में कमी पर वेबिनार श्रृंखला आयोजित करने के लिए आईएमडी के साथ सहयोग किया है, पार्टनरशिप किया है, कोलेबोरेशन किया है? जी हाँ, जी हाँ। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर ए होगा इसका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत खूब। एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, शेयर कर दीजिए जिसने अभी तक नहीं किया है, कर दीजिए एक बार, दोबारा फिर से कर दीजिए। मैं भी कर देता हूँ, मैं स्टेटस डालता हूँ, व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ, टेलीग्राम पे कर चुका हूँ मैं। ये लीजिए, हो गया जी, व्हाट्सएप पे शेयर। चलिए आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द फर्स्ट एवर किसान रेल लॉन्च बाय द इंडियन रेलवेज वी ट्रेवल बिटवीन विच स्टेट ऑफ द कंट्री? भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई पहली किसान रेल देश के किन राज्यों के बीच यात्रा करेगी? बताइए। जी हाँ, ये जो आपका किसान रेल है, इसका एम क्या है भैया? किसान रेल का, किसान रेल का एम है कि जो भी आपकी पेरिसेबल्स वेजिटेबल होते हैं या फिर जो वो चीजें जो खराब हो जाएंगे उनको जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए किसी अदर स्टेट में। एंड हाँ, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत है परमवीर जी, बिगनर अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर बाद में। हाँ, बाद में कैसे आपके परफेक्ट बनेंगे? डी करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र बिहार, महाराष्ट्र बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना? अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि कौन सा 1 ईयर से 6 ईयर एज के चिल्ड्रंस के लिए, लास्ट में अभी हम डिस्कस करके आए थे, अभी हम डिस्कस करके आए थे ना, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना किस स्टेट ने किया है ये लॉन्च? बहुत खूब। हाँ जी, बहुत बढ़िया। गुड, करेक्ट आंसर इसका बी होगा, हरियाणा, हरियाणा बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, इन विच इज फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पार्टनर विद गूगल इंडिया टू प्रोवाइड लर्निंग टूल्स फॉर स्कूल्स? स्कूलों के लिए शिक्षण उपकरण प्रदान करने के लिए गूगल ने भारत के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गूगल के साथ भारत का पहला राज्य साझेदारी करने वाला पूछा गया आपसे, पार्टनरशिप करने वाला पूछा गया, इंडिया का पहला स्टेट, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पार्टनर विद गूगल। जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? वेल डन, ए करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, कैपिटल और एक बार गवर्नर बता दीजिए, आप लोग समझदार हैं, फास्ट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड हु इज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? अभी जस्ट हम करके आए थे, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया दोबारा, अभी जस्ट करके आए थे, हु इज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? इसका मतलब यह है कि जस्ट करके आए थे, हो सकता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। स्नेहिल, अनिल, श्रेयस, मौनी, गायत्री, मनीष, स्वागता, वेल डन, बहुत खूब। परमवीर जी, गुड, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका?
जस्ट करके आए थे, अभी कौन बनाए गए आपके जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर? सी करेक्ट आंसर होगा आपका गिरीश चंद मुर्मू। और रिप्लेस किसको किया इन्होंने ये भी याद रखना, रिप्लेस किसको किया है ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजीव महर्षि को किया है, किसको? राजीव महर्षि को, ठीक है। चलिए, आरबीआई हैज फॉर्म एन एक्सपर्ट पैनल ऑन रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस, हु इज द हेड ऑफ दिस पैनल? अब बताइए, बहुत ज्यादा जो आपका थर्ड बाई मंथली स्टेटमेंट हुआ था ना, जो आपका मीटिंग हुआ था, थर्ड बाई मंथली मीटिंग जो हुआ था एमपीसी का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, उसमें ये डिसीजन लिया गया था। बताइए फास्ट, उसमें एक और डिसीजन लिया गया था कि जो आपका गोल्ड लोन आपका 75% पे मिलता था, अब हम उसको 90% पे देंगे। अगर आप पहले गोल्ड ले जाते थे, अगर उसकी वैल्यू 10,000 है, उस सोने की कीमत 10,000 है, तो आपको 7,500 लोन दिया जाता था, बट आज की डेट में अगर जाते हैं तो वहीं पे आपको 9,000 दिया जाएगा। यह भी याद रखना, आप अभी 90% कर दिया गया है उसकी, जो आपकी सैंक्शन अमाउंट है लोन का गोल्ड पे, ये 75% था पहले। जी हाँ, आंसर क्या होगा इसका? केवी कामत करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? केवी कामत करेक्ट आंसर होगा। बहुत को आरबीआई ने कोविड-19 संबंधित तनाव के लिए रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क पर एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया, और इस पैनल के प्रमुख पूछे गए थे आपसे। केवी कामत करेक्ट आंसर होगा, केवी कामत। चलिए नेक्स्ट, आपका टिक बॉर्न वायरस जो है वो री इमर्ज इन विच नेशन, री इमर्ज हुआ है किस नेशन में? टिक जनित वायरस किस राष्ट्र में फिर से उभरा है, फिर से उभरा है? जी हां, बहुत खूब, एक बार यार शेयर कर दीजिए सभी लोग। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्यों रखा गया है? ये क्वेश्चन आपका कोविड-19 की वजह से, कोविड की वजह से रखा गया है। कोविड आपसे नहीं पूछा जाएगा कि किस कंट्री से आया है। आगे अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट हैज अनैनिमसली पास्ड अ बिल बैनिंग द चाइनीज ऑन ऐप डैश ऑन गवर्नमेंट डिवाइसेस। भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सेनेट ने एक मत से सरकारी उपकरणों पर चीनी स्वामित्व वाले ऐप डैश है पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया है। वो मेरे मुंह से अभी निकला नहीं है। हाँ, आंसर क्या होगा? आप सुन तो नहीं पाए ना, मैंने बोला टिक करके बताओ कि क्या आंसर होगा। मैंने ये बोला है कि टिक करके बताओ आंसर क्या होगा। हाँ, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बहुत खूब, ए करेक्ट आंसर होगा, टिकटॉक। टिकटॉक करेक्ट आंसर होगा, टिकटॉक, वेल डन। होम ग्राउंड सोशल मीडिया ऐप शेयर चैट टू गेट हाउ मच फंडिंग फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पूनम पीछे हो इसलिए। यार एक बार शेयर कर दो सभी, मैं गायब हो रहा हूं। चलो मत करो शेयर, मैं इधर ही, मैं आऊंगा ही नहीं अब सामने तुम लोग के, ठीक है? आंसर बताओ इसका। ये आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज से सेक्शन से इंपॉर्टेंट बनेगा। जी हाँ, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बी होगा, $100 million, $100 million। मुग्धा नहीं किया शेयर आपने? अभी सबके व्हाट्सएप स्टेटस चेक करूंगा मैं। विच कंपनीज आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप डील हैज बीन सस्पेंडेड बाई बीसीसीआई? बीसीसीआई ने किस कंपनी के आईपीएल टाइटल प्रयोजन सौदे को निलंबित कर दिया? इंपॉर्टेंट, चाइनीज, किस चाइनीज कंपनी को किया गया है? किस चाइनीज कंपनी को किया गया है? जी हां, किस चाइनीज कंपनी को यहां पे बैन किया गया है? धीरेन्द्र गलत आंसर बता रहे हो बच्चे।
आंसर इसका वीवो आईपीएल, वीवो का वीवो है वो, करेक्ट वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। वीवो जो है वो सस्पेंड किया गया है बीसीसीआई के द्वारा, आगे डिटेल पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्यों किया गया है, क्या है वो सब डिटेल में मैंने कराया हुआ है आपको डेली करंट अफेयर्स में। आगे कह रहा है कि नेम द फॉर्मर कांग्रेस लीडर एंड 8 टाइम पार्लियामेंटरिज्म फ्रॉम तेलंगाना हु पास्ड अवे रिसेंटली, इनका हाल ही में निधन हुआ। तेलंगाना के पूर्व कांग्रेस नेता और 8 बार के सांसद का नाम, 8 बार सांसद रह चुके हैं और पूर्व कांग्रेस नेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जी हाँ सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं जल नहीं पीऊंगा, मैं जल नहीं पीऊंगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, नंदी, नंदी अलहिया करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा, ये फोटो में आप देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, एयर सुविधा इज अ वेब पोर्टल लॉन्च बाय विच एयरपोर्ट टू एनेबल इट्स होम बाउंड इंटरनेशनल पैसेंजर्स टू फिल द मैंडेटरी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन इंस्टेड ऑफ फिजिकल फॉर्म। जी हाँ, जय महाकाल। हाँ जल नहीं पीऊंगा मैं, शेयर कर दो। बताइए फर्स्ट आंसर करिए इसका क्या होगा। एयर सुविधा एक वेब पोर्टल आपके स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, किस स्टेट यूटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाँ जी बहुत खूब, दिल्ली करेक्ट आंसर होगा। अरविंद केजरीवाल, अनिल बाईजाल करेक्ट आंसर बी होगा, दिल्ली, दिल्ली करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली, दिल्ली एयरपोर्ट ने डेवलप किया है ऑनलाइन पोर्टल दैट विल अलाउ करेगा इंटरनेशनल पैसेंजर्स को फिल करने के लिए मैंडेटरी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, याद रखना मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है भाई। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करी गई है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आगे है, इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी बन सकता है क्योंकि ये जो आपका रिलेट करता है ये आपके गवर्नमेंट स्कीम से रिलेट करता है। और यहाँ पे आपको बोला गया है कि यहाँ पे फाइनेंसिंग डेट फैसिलिटी जो है वो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंडर में फार्मर्स को हेल्प करने के लिए कितने लाख करोड़ का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। जी हाँ, नहीं मैं कुछ नहीं पीऊंगा जब तक शेयर नहीं करोगे तुम लोग। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आंसर क्या होगा? वेल्डन बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सी करेक्ट आंसर होगा। 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़। वेल्डन रोशनी, एवेंचर, सौम्या, सुभी, पंकज, गुड। नहीं, मुझे शेयर चाहिए, मुझे यहाँ पे लड़के चाहिए, मुझे बैंकर्स चाहिए। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स, डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल फॉर द ईयर 2020? बेटा तुम लोग को नहीं पता, तुम लोग को नहीं पता कि शायद मैंने पीछे से पानी पी भी लिया हो क्योंकि मैं सामने तो हूं ही नहीं ना तुम लोग। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्ष 2020 के लिए विश्व के लोगों ने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय, विश्व के लोगों के लिए नहीं, सॉरी, वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल। करेक्ट आंसर डी होगा इसका, कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल रेसाइलेंस। ठीक है चलिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डिप्टी सीईओ एंड एमडी ऑफ जेसीबी इंडिया? जेसीबी इंडिया के नए डिप्टी सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? किसे अपॉइंट किया गया है? किसे किया गया है? फास्ट आंसर करिए, किसे किया गया है फास्ट? जी हाँ, चलिए
आंसर क्या होगा इसका? बी करेक्ट आंसर होगा, दीपक सेठी को किया गया। किसको? दीपक सेठी। दीपक सेठी बहुत को किसको किया गया? दीपक सेठी को। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे एलिस वैद्यन की, एलिस वैद्यन की अगर हम बात करते हो, तो एलिस वैद्यन जो है वो जियो जिट में जो है इनको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट किया गया है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नवीन अग्रवाल जी की, तो नवीन अग्रवाल जी जो है आपके ये अपॉइंट किए गए हैं मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी में एमडी के तौर पे, ठीक है। ये यहां से आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें यहाँ पे पिल्लई जी की, तो ये हेड बनाए गए हैं आपके, ये हेड बनाए गए हैं रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्शन, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। नेक्स्ट है आपका, फिक्की हैज अनाउंस द रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ जंक फूड विद इन हाउ मच मीटर्स ऑफ स्कूल्स। फिक्की ने स्कूलों के कितने मीटर के भीतर जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। हाँ, अभिदेश साक्य जी, बहुत बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फिक्की ने स्कूलों के कितने मीटर के भीतर जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध की घोषणा किया? गुड मॉर्निंग संदीप जी, समायरा गुड मॉर्निंग। जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी करेक्ट आंसर होगा, 50 करेक्ट आंसर होगा सी, जंक फूड। ये तुम लोग के पिज्जा बर्गर रखे हुए हैं इसमें, अभी मुझसे मत कहना। ओके प्रियंका, अभी मुझसे मत कहना कि सर पार्टी करो। नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट हैज अप्रूव पॉलिसी ऑन सीट रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल्स? प्रियंका जी कोई बात नहीं, चलिए बताइए इसका आंसर। अब आपका फर्स्ट क्लास है तो एक बार शेयर कर दीजिए। किस राज्य ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीट आरक्षण पर नीति को मंजूरी दी है? बहुत गुड, जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी करेक्ट आंसर होगा, मेघालय। मेघालय करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है, मेघालय करेक्ट आंसर होगा, सही है, बढ़िया, वेल डन। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द थीम ऑफ 2020 वर्ल्ड बायोफ्यूल डे? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे का थीम पूछा गया है 2020 विश्व जैव ईंधन दिवस के लिए, विषय क्या है? जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी करेक्ट आंसर होगा, बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना मेरे भाई, याद रखना आप सब, ठीक है। आपसे पूछा गया है, अपॉइंट किया गया एमडी एंड सीईओ सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज में, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज के एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं, कौन अपॉइंट किए गए हैं? जी हां, गुड, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी करेक्ट आंसर होगा, नेहल बोरा सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज हेडक्वार्टर मुंबई, एमडी एंड सीईओ नेहल बोरा। चलिए नेक्स्ट है आपका, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन केवीआईसी अनाउंस द ओपनिंग ऑफ इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर ऑफ सिल्क इन विच स्टेट? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलने की घोषणा की है? जी हाँ, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बहुत खूब, 69 हो गए, एक बार और शेयर कर दो यार, यहाँ पे 100 हो जाने चाहिए, लास्ट टाइम 100 क्रॉस कर लिए थे हमने, 71 72, कर दो एक बार यार 100 क्रॉस। करेक्ट आंसर इसका बी होगा, अरुणाचल प्रदेश। खादी एंड केवीआईसी की बात की गई है, देखिए केवीआईसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो याद रखना एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, क्योंकि केवीआईसी जो है बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है आपका,
खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने सेटअप किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर सिल्क के लिए इन द स्टेट अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका आगा अशरफ अली पास्ड अवे। आगा अशरफ अली जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये किस स्टेट से बिलोंग करते थे? पूरी लिस्ट मैंने आपको दी हुई है, पूरी लिस्ट मैंने आपको दी हुई है, ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूं पूरे डिटेल में। मैं करा के फिर मैं आपको वन लाइनर कराता हूं, फिर मैं आपको एमसीक्यूज कराता हूं ताकि आपको रिमाइंड हो जाए, आप याद कर पाए। अगर फिर भी आंसर नहीं कर पाए तो फिर तो आप क्या है, निकम्मे है ना, क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी करेक्ट आंसर होगा, कश्मीर। कश्मीर ठीक है, कहां से थे ये? कश्मीर से थे। बहुत को ये फोटो में आप देख रहे हैं, अशरफ अली जी हैं, अशरफ अली जी हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेम द इंडियंस इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू टेस्ट अपर स्टेज रॉकेट इंजन नेम्ड रमन। इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट जो है प्राइवेट कंपनी ने ये टेस्ट किया है, फर्स्ट प्राइवेट कंपनी ने टेस्ट किया है तो इंपॉर्टेंट बनेगा। प्रियंका इसका पीडीएफ आपको अनअकैडमी बैंक अनअकैडमी लाइव बैंक एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जी हाँ, फर्स्ट है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट बनेगा, फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है और ये साइंस एंड टैक्स से इंपॉर्टेंट बनेगा। सेक्शन भी मैं बताते जा रहा हूं कि किस सेक्शन से इंपॉर्टेंट बनेगा, तो ये साइंस एंड टैक्स से जो सेक्शन है आपका उससे इंपॉर्टेंट बनेगा। बहुत कूल, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी करेक्ट आंसर होगा, स्काई रूट। स्काई रूट सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, स्काई रूट। हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है आपका स्काई रूट एयरोस्पेस, इसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है और यह फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी बना है, याद रखना। चलिए आगे हम बात करें, ऑन विच डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इंटरनेशनल यूथ डे। लास्ट ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था और वो भी एग्जाम डेट से पहले पूछा गया था, मतलब एग्जाम इससे पहले, इस ये डे बाद में था, एग्जाम इससे पहले था और ये लास्ट ईयर आपसे एग्जाम में पूछ लिया था। आई थिंक आपका SBI में पूछा गया था, ये SBI या फिर RRB में। हर साल अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? लास्ट ईयर पूछा गया था ये आपसे, जी हाँ। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं, सी करेक्ट आंसर होगा, 12th अगस्त को मनाते हैं, 12th अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे। और अगर हम यहां पे थीम की बात करें तो यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ये इस बार का थीम था, ये इस बार का थीम था। लास्ट ईयर 10th अगस्त को था और 12th अगस्त का डेट पूछा गया था, वही मैं कह रहा हूं आपसे, वही मैं कह रहा हूं कि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था। जी हाँ, वेल डन सुबी, एलिफेंट डे भी हम 12th अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, बहुत बढ़िया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट इज सेट टू लॉन्च अरुणोदय स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 17 लाख फैमिलीज, टू 17 लाख फैमिलीज। जी हाँ, सत्रह लाख परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय योजना शुरू करने के लिए कौन सा राज्य निर्धारित है? बहुत खूब, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी होगा, असम करेक्ट आंसर होगा, असम। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन लॉन्च्ड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम। सर इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्या? जी हाँ बिल्कुल आता है, अगर रेगुलर क्लास करेंगे तो ये कुछ नहीं लगेगा, आप एक बार पढ़ेंगे आंसर आपका नीचे कमेंट सेक्शन में, रिलेटेड न्यूज तक कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। ये लोग कर भी रहे हैं, देखो तो एक बार अपने फ्रेंड्स को देखो एक बार, ये लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले आंसर आते हैं, रिलेटेड फैक्ट्स भी आते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये लोग रेगुलर क्लास करते हैं इसलिए पॉसिबल है,
ये लोग रेगुलर क्लास करते हैं इसलिए पॉसिबल है। जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी करेक्ट आंसर होगा, कृषि मेघ। कृषि मेघ करेक्ट आंसर होगा, डी। चलिए ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना जो है वो लॉन्च किया गया किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा? मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना की घोषणा की गई है किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, और ये किस स्कीम को रिप्लेस करेगा? ये किस स्कीम को रिप्लेस करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बताइए फास्ट, किस स्कीम को रिप्लेस करेगा? जी हाँ, अरे वाह, देख रहे हो, आप लोग नहीं लिख पा रहे हो लेकिन आपके फ्रेंड्स में से ही कुछ लोग लिखे जा रहे हैं कि ये वाली स्कीम लॉन्च करी जाएगी। ये देखो, बहुत खूब, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जी हाँ, करेक्ट आंसर बी होगा, गुजरात। गुजरात करेक्ट आंसर होगा। और ये रिप्लेस किसको करेगा स्कीम को? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस स्कीम को रिप्लेस करेगा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। विजय रूपानी जो कि आपके चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, इन्होंने लॉन्च किया इस स्कीम को। ठीक है, किसने लॉन्च किया? विजय रूपानी जी। नेक्स्ट है आपका, विच इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज द फीमेल आइकॉन्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल्स? जी हाँ, बताइए, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला आइकन का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? यहाँ पे के ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं उन पे फीमेल आइकन का यूज किया गया है। आंसर इसका डी होगा, मुंबई। मुंबई करेक्ट आंसर होगा। और ये आप देख रहे हैं, ये सिग्नल पे और इस पे आपके बोर्ड पे ये फीमेल आइकन यूज किए गए हैं। मुंबई का दादर जो है वो पहला सिटी बना है यूज करने वाला है सिग्नल। मुंबईज दादर हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव वुमेन सिंबल्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल्स एंड साइनेज, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट है आपका, नेम नेम इंडियन ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी विच हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉइड POS डिवाइस फॉर कॉन्टेक्ट लेस ऑर्डरिंग एंड पेमेंट्स, इंपॉर्टेंट बनेगा। जी हाँ, बताइए, बताइए, भारतीय ई कॉमर्स भुगतान प्रणाली और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत की पहली पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस को संपर्क रहित आदेश और भुगतान के लिए लॉन्च किया है, तो आंसर इसका क्या होगा? जी हाँ, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें मेरे बच्चे, सी करेक्ट आंसर होगा, पेटीएम। इसका करेक्ट आंसर होगा पेटीएम। 499 रुपीज में, 499 रुपए में रहेगी, और ये पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है ये आपका POS डिवाइस, और ये एक स्मार्टफोन की तरह दिखता है, ये आपकी स्क्रीन पे है। ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट POS डिवाइस इज अवेलेबल एट 499 एज मच एज इंट्रोडक्टरी प्राइस। ठीक है, बहुत खूब, सुभी विजय शेखर शर्मा। चलिए करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या होगा? रिसेंटली विच बैंक गेट्स RBI अप्रूवल? भैया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्शन से बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है और यही न्यूज आपके एग्जाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस बैंक को गैर वित्तीय सहायता शुरू करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? हाल ही में किस बैंक को गैर वित्तीय सहायता शुरू कर सहायक शुरू करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है, यानी कि रिसेंटली विच बैंक गेट्स RBI अप्रूवल टू स्टार्ट नॉन फाइनेंशियल सब्सिडरी? सो आंसर इसका क्या होगा मेरे बच्चे? आंसर इसका डी होगा, साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? साउथ इंडियन बैंक। लाइक शेयर नहीं किया तो एक बार लाइक शेयर कर दो यार सभी। चलिए आगे आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट साइन MOU विद द US बेस्ड बोस्टन ग्रुप फॉर सेटिंग अप इट्स डेवलपमेंट सेंटर इन वन ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट? किस राज्य सरकार ने अपने एक जिले में अपना विकास
केंद्र स्थापित करने के लिए अमेरिका स्थित बोस्टन समूह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा कि विच स्टेट गवर्नमेंट साइन एमओयू विद द यूएस बेस्ड बोस्टन ग्रुप फॉर सेटिंग अप इट्स डेवलपमेंट सेंटर इन वन ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट। लाइक यार 100 पार करो, लाइक को 100 पार कर दो मेरे भाई एक बार सभी लोग। करेक्ट आंसर इसका बी होगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप लोग के सपोर्ट की जरूरत रहती है, अगर आप लोग चाहेंगे तो ये सेशन कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं चाहेंगे अगर मुझे रेस्पॉन्स नहीं देखेगा तो भाई मैं संडे को ऑफ रखूंगा, मैं क्यों आऊं संडे को। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए ये वीकली टॉप 60 की सीरीज जो है हर संडे को आपकी चलेगी, वीकली हर संडे को सुबह 8 बजे बिना कुछ कहे भागे चले आना। बताइए अगले सवाल का आंसर, किस फॉर्मूला वन खिलाड़ी ने 17वीं वर्षगांठ ग्रैंड पिक्स 2020 जीता है? 100 का आंकड़ा पार करो यार, टारगेट 100 लाइक पार करो, ठीक है सभी एक बार फास्ट शेयर करो, लाइक करवाओ और ये आंकड़ा 100 का पार कराओ। इधर लाइव लर्नर्स भी जो है इधर भी ये भी इजाफा होना चाहिए। विच फॉर्मूला वन प्लेयर वन 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020? और एक बात याद रखना, ये पहले आपके बने हैं, ये पहले बने हैं जो कि आपके बताने वाला हूं आगे। आंसर आपका सी होगा, मैक्स वेस्टेपेन, और ये रेडबुल रेसर है और फर्स्ट नॉन मर्सिडीज ड्राइवर है। कौन है फर्स्ट नॉन मर्सिडीज ड्राइवर है, इंपॉर्टेंट बनेगा। जब भी देखिए फर्स्ट जब भी आता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें फर्स्ट तो पता होना चाहिए, सेकंड क्या कर रहा है तो कोई मतलब नहीं। ये फर्स्ट नॉन मर्सिडीज ड्राइवर बने हैं और 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स की जो हुई है उसको किसने जीता है, मैक्स वेस्टेपेन ने, मैक्स वेस्टेपेन ने, ठीक है। चलिए आंसर है आपका, आंसर इसका मैक्स वेस्टेपेन होगा, मैं बता ही चुका था। अगला सवाल है आपका कि एक बुक के ऑथर पूछे गए आपसे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए बैंड इन टाइम राइटिंग बाय चिल्ड्रन ऑन द कोविड-19 पैंडेमिक। पुस्तक ए बैंड इन टाइम राइटिंग बॉय चिल्ड्रन द कोविड-19 महामारी के लेखक कौन है? ये सब मैं करा चुका हूं आपको, ये सब करा चुका हूं मैं आपको। 83 लाइक हो गए यार, एक बार और कर दो, और कर दो। पंकज जी शाम को कोई क्लास नहीं होती, केवल सुबह सुबह क्लास होती है यूट्यूब पे। जी हाँ, थैंक यू सो मच यार 83 करने के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा और पोस्ट करिए, 100 कुछ ज्यादा दूर नहीं है। जी हाँ करेक्ट आंसर की बात करें, डी होगा, विजल बच्चो रजनी, ठीक है। किसने, विजल जी ने लिखी है बुक, विजल जी ने लिखी है, विजल बच्चरजानी, ठीक है। चलिए, हु रिलीज द ई बुक नेम्ड कनेक्टिंग कम्युनिटिंग चेंजिंग क्रॉनिकलिंग द वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू थर्ड ईयर इन ऑफिस। आप बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ते हैं ना, पढ़िए बुक्स एंड ऑथर्स। 86 हो गए, बहुत पूर यार, थोड़ा सा और पुश करिए, लाइव लर्नर्स कम कैसे होते जा रहे हैं भाई। जी हाँ थोड़ा सा और, 87। जी हाँ इसका आंसर करिए, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 3 साल के कार्यकाल में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नाम की ई बुक किसने जारी की? 87, बहुत खूब भाई। लाइक एक बार करना होता है, किसी ने लाइक किया फिर उसी पे क्लिक कर दिया तो एक बार लाइक करना होता है, देख लेना अगर ब्लू हो जाता है। हाँ करेक्ट आंसर इसका बी होगा, ए एंड डी, राजनाथ सिंह और आपके प्रकाश जावड़ेकर जी ने रिलीज करी है। किसने करी है, राजनाथ सिंह और आपके प्रकाश जावड़ेकर जी ने रिलीज करी है, और ई वर्जन जो है वो प्रकाश जावड़ेकर जी ने रिलीज किया है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुक रिलीज करी है क्रॉनिकलिंग 3 ईयर्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के ऊपर। टाइटल क्या है इस बुक का, तो टाइटल आपका कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, ये टाइटल है। हाँ जी चलिए, 90 हो गए, बहुत खूब यार। एलिना सेन पास्ड अवे रिसेंटली, शी इज बिलोंग्स टू डैश फील्ड। एलिना सेन का हाल ही में निधन हो गया है, वह फील्ड की है, किस फील्ड की है? जी हाँ 90 90 90, बहुत खूब।
100 ज्यादा दूर नहीं है। जी हाँ, एलिना सेन का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस फील्ड की हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी करेक्ट आंसर होगा, सोशल एक्टिविस्ट। सोशल एक्टिविस्ट 91, गुड। सोशल एक्टिविस्ट एलिना सेन, ये सोशल एक्टिविस्ट थी, इनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि किसने साइन किया है एमओयू, किसके साथ में? अकोला बेस्ड बुलियन ट्रेड एसोसिएशन के साथ में। बुलियन ट्रेड मैंने आपको बताया था कि बुलियन ट्रेड क्या होता है, बुलियन ट्रेड मैंने आपको बताया था कि बुलियन ट्रेड क्या होता है, और आपका किसने साइन किया है एमओयू दो अकोला बेस्ड बुलियन ट्रेड एसोसिएशन से फॉर डीपिनिंग कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट इन इंडिया। जी हाँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बहुत खूब, करेक्ट आंसर सी होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किया है। किसने किया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किया है। वेल डन, बहुत बढ़िया। लीडिंग स्टॉक कंपनी एक्सचेंज है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसने साइन किया है एमओयू दो अकोला के साथ में। दो अकोला जो आपके बुल ट्रेड एसोसिएशन है, पहला है आपका अकोला सराफा एसोसिएशन, दूसरा है आपका अकोला सराफा व स्वर्णकार युवा संघ, इन दो के साथ में किया गया है। इन दो के साथ में आपका जो बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसने एमओयू साइन किया है। बुलियन ट्रेड मैंने बताया था, बुलियन ट्रेड क्या होता है? बुलियन ट्रेड वो ट्रेड होता है जिसमें हम लोग सॉलिड गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं, जो सिक्के का बिजनेस करते हैं, बिस्किट का बिजनेस करते हैं, जो आपके गोल्ड के बिजनेस सिक्के आते हैं, जो आपके बिस्किट्स आते हैं, हम उनका बिजनेस करते हैं, तो वो आपका बुलियन ट्रेड में आता है। अगला सवाल आपसे पूछा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंस्पेक्टर जनरल, आईजी पूछे गए आपके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के। तनिष्का जी, बेस्ट बुक रोहित सर हैं आपके, रोहित सर हैं। एक बार कंटेंट चेक करेंगे तो आपको ऐसा कंटेंट शायद ही नहीं मिलेगा। आपने बुक पूछी है तो रोहित सर हैं बुक। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये लोग आंसर कर रहे हैं, ये रोहित सर की किताब सही पढ़ते हैं, बैंकर्स ऑफ रोहित सर नाम है बुक का। जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी करेक्ट आंसर होगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के नए आईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए आईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर क्या होगा आपका? सी करेक्ट आंसर होगा, पीएस रानिप से। पीएस रानिप से, ठीक है भाई। सात और दूर है यार, सेवन दूर रह गए अभी हम। मैंने बोलना बंद किया, आपने वहीं पे रोक दिया। 94, गुड। पीएस रानिप से जी, फोटो में आप देख रहे हैं। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड स्टेट ईवी पॉलिसी टू सप्लीमेंट सेंटर्स क्लीन व्हीकल पोस्ट? इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी टू सप्लीमेंट सेंटर्स क्लीन व्हीकल पोस्ट। किस राज्य ने सेंट्रल के स्वच्छ वाहन धक्का नहीं होगा पोस्ट के पूरक के लिए राज्य में ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति की घोषणा की है? जी हां, 95 हो चुके हैं, गुड। आंसर इसका दिल्ली होगा, अरविंद केजरीवाल और जी हाँ, अनिल बैजल। अनिल बैजल, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे इजी सा पूछ लेता हूं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ठीक है? अरविंद केजरीवाल किस पार्टी से है? नाम लिख दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, फास्ट भर जाना चाहिए कमेंट सेक्शन, क्योंकि आप सबको पता होगा। जी हाँ, रिसेंटली पीएम स्वनिधि वॉज इन न्यूज एंड एस स्टैंड्स फॉर। भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा है कि अरविंद केजरीवाल जी किस पार्टी से हैं। यहां पे राहुल साक के जी ने भी आंसर कर दिया, आम आदमी पार्टी से। हाँ, अभी अंदर से कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ होगा, अरे वाह एक क्वेश्चन कर दिया हमने, मजा आ गया। वो भी बहुत टफ क्वेश्चन था, सर ने ये पूछ लिया था कि किस पार्टी से है।
जल नहीं पीऊंगा, मैं जल नहीं पीऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। शेयर कर दो एक बार, 100 पार कराओ, यहां पे 100 क्रॉस कराओ। इसका आंसर सी होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत खूब, सी करेक्ट आंसर होगा स्ट्रीट। आपके यहाँ पे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर सेक्रेटरी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा जी, इन्होंने लॉन्च किया लेटर रिकमेंडेशन मॉड्यूल पीएम स्वनिधि का। पीएम स्वनिधि का, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, ये टाइटल है इसका, ये फुल फॉर्म है इसका। भैया दो और बचे यार, 100 करा दो। Which small finance bank has been appointed as official retail banking partner for Chennai Super Kings? शेयर कर दो एक बार सभी लोग, शेयर कर दो एक बार सभी। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए किस छोटे वित्त बैंक को आधिकारिक खुदरा बैंकिंग भागीदार के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत खूब, 101 इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्शन है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्शन से इंपॉर्टेंट बनेगा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्शन से इंपॉर्टेंट बनेगा। क्या हुआ, 98 रह गए? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत खूब, सी करेक्ट आंसर होगा, इक्विटस, इक्विटस। चलिए, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसने फ्राइडे को अनाउंस किया, इट हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑफिशियल रिटेल बैंकिंग पार्टनर। किसको? चेन्नई सुपर किंग्स को, चेन्नई सुपर किंग्स को, आईपीएल टीम में, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2020। जी हाँ, हाँ, 108 नहीं, 1008 होना चाहिए रोहित बाबा के लिए। Life Insurance Corporation of India has acquired 4.23% stake, crore, sorry, 4.23% stake, 105.98 crore shares of which bank by purchasing from the open market. Open market. जी हाँ, जी हाँ, 1008। मैं इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा हूं। अच्छा, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी करेक्ट आंसर होगा, यस बैंक, यस बैंक। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्शन से जितने भी न्यूज इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बार बार मैं इस वर्ड का, इस शब्द का यूज करता हूँ, इस प्रयोग का, इस शब्द का प्रयोग करता हूँ कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, रिसेंटली विच ऐप हैज वन इन द आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंजेस सोशल कैटेगरी? बताइए इसका आंसर। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज की सामाजिक श्रेणी में कौन सा ऐप जीता है? तो आंसर इसका ए होगा, चिंगारी। कौन सा? चिंगारी, ए करेक्ट आंसर होगा। याद रखना है, अगला सवाल है आपका, अब हम थोड़ा सा स्पीड में लेंगे और आप रेडी रहिए आग लगाने के लिए। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है सेट अप द स्टेट लार्जेस्ट 400 बेड डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल इन विच सिटी? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सबसे बड़ा 400 बेड का समर्पित कोविड-19 अस्पताल स्थापित किया है? आंसर क्या होगा? जी हाँ, आंसर क्या होगा इसका? वेल डन, बहुत अच्छे आंसर इसका, नोएडा करेक्ट आंसर होगा, कानपुर नहीं होगा। मनीष, आंसर इसका नोएडा होगा, नोएडा करेक्ट आंसर होगा। वेल डन, बहुत बढ़िया, नोएडा करेक्ट आंसर होगा, बहुत अच्छे। अगला सवाल है, SAI साई ने लॉन्च किया खेलो इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए। साई का, उसमें ए का फुल फॉर्म पूछा गया, स्टैंड फॉर साई में ए का फुल फॉर्म। जी हां, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, अरे वाह,
लोग यार बहुत समझदार हो, मैं इतना नहीं समझता था। इसमें सौम्या सबसे ज्यादा समझदार है, इसको तो 100 तोपों की सलामी देनी चाहिए, है ना। ए करेक्ट आंसर होगा अथॉरिटी, अथॉरिटी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत खूब, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका ए का फुल फॉर्म अथॉरिटी होगा, ए स्टैंड्स फॉर अथॉरिटी। चलिए, थैंक यू सो मच, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था इस लास्ट में एनर्जी के साथ में, मैंने कहा शायद आपके अंदर एनर्जी आएगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें, लाइक करना ना भूलें, और अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। रोज सुबह 8 बजे मैं मिलता हूँ आपसे अनअकैडमी बैंक प्रो यूट्यूब चैनल पे, लाइव नए न्यूज के साथ में, डेली करंट अफेयर्स के साथ में। तो वो क्लासेस करना ना भूलें, और आप अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं फिर आपसे कल। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस, एक ही आस। बीजे सारे मंत्र और रटले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, Let's crack it. लड़ जरा कुछ कर दिखा, Let's crack it. लड़ जरा कुछ कर दिखा, Let's crack it. जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। तू काने है बड़ी, इनकी भोकते बड़ा भारी है, पीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देखो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरे बाप का माता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन, इनकी तू बढ़ता जा, बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा।